Deepak is going to the hospital. He is wearing a white shirt. He is a doctor. अरे ये तो बहुत कठिन सेंटेंस वाक्य है, मैं इनको बना ही नहीं पा रहा हूँ। शोमू तुम इन वाक्य को नहीं बना पा रहे हो, तुम कितने बुद्ध हो, कहाँ थे जब अकल बैठ रही थी। तुम बहुत समझदार हो ना। अच्छा तो ये सेंटेंसेस ये वाली बना के दिखाओ। पूछो तो कौन डरता है तुमसे। मैं खाना खाता हूँ। मैं खाना खाता हूँ। आई एम ईटिंग फूड। दीदी। हाँ बेटी क्या हुआ। देखिए शिवी ने मुझे गलत सेंटेंसेस बताए। देखे भाई शिवी तुम क्या गड़बड़ कर रही हो भाई। देखिए तुम किताब कौन सी पढ़ रही हो। अरे वाह तुम्हारी किताब में तो बड़े सुंदर चित्र हैं। और देखो इसका नाम कितना अच्छा सा है, एलिमेंट्री इंग्लिश। चित्र कितने अच्छे बने देखो, ये कुत्ता ठीक है, और ये क्या है, ये टेडी बियर हो गया। बहुत सुंदर किताब है। और तुम कौन सा अध्याय पढ़ रहे हो, लेसन टू। अ टीचर एंड अ डॉक्टर। अ टीचर एंड अ डॉक्टर। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है। और तुम्हें क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही बेटी। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा देखे तो क्या चीज़ है इसके अंदर। ओहो टेंस के चक्कर में फंसे हो। जी कोई बात नहीं, कल भी ये बता रहा था शोमू हमें, और हमने जो इसकी दो टीचर्स हैं वो हमें मिली थी जब हम सब्जी खरीदने गए थे ना, तो हमने उनसे कहा था कि हमारे घर जरूर आना। ठीक है शायद वो आती हूँ। लो वो लोग तो आ भी गई। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए। बच्चों आप लोग को क्या नहीं समझ में आ रहा है। जो आपने कल क्लास में कराया था वही नहीं समझ में नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है फिर से समझा दिया। बताएं क्या है इसमें। इन लोगों को ये सब तो समझ में आ गया, ये चित्र वगैरह है। और देखिए शिवी ने तो सारी स्पेलिंग भी भर ली है इसकी, फार्मर की और इन सब की। लेकिन जो टेंस है वो चीज इनको समझ में नहीं आ रही है कि प्रेजेंट इनडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ये कैसे प्रयोग करें, है ना शोमू। यही तो मुश्किल आ रही है। हाँ दीदी। संगीता जी आप मुझे बताओ कि अंग्रेजी व्याकरण में टेंस तो बड़ा कठिन चीज है ना, तो इसमें आप किस तरह से किस माध्यम को लेकर के इनको टेंस समझाते हो। इंग्लिश ग्रामर में टेंस तो सही में बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है क्योंकि ये बेस होता है। जी ठीक है। तो अब बच्चों को समझाने के लिए, टेंसेस को समझाने के लिए हम इनकी ही मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा आप हिंदी का ही सहारा लेते हो। हिंदी का ही सहारा लेते हैं। ठीक है। हाँ तो अब प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की पहचान हम इनको बताएंगे। पहले सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस की पहचान कराने के लिए हम इनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें से ही कुछ वाक्यों को पिकआउट करते हैं, बाहर निकालते हैं और उनसे उनसे पूछते हैं कि इसमें प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस क्या है। अच्छा तो पहचान बताने के लिए पहले तो हम इनको ये बताएंगे प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस में जिन वाक्यों के अंत में या ये कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में जी ता ती ते लगा हुआ है हाँ। ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस कहलाते हैं। अच्छा देखिए अब मैं जरा कोशिश करके देखती हूँ। शोमू और शिवी मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें तीन वाक्य इसी से छांट के बोलूंगी। जी दीदी। और बहुत अच्छे से बताना कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी दीदी ने क्या बताया कि जिस क्रिया के अंत में ता है ती है ते है लगा होता है तो वो कौन सा टेंस होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है बहुत ध्यान से सुनना। दीपक अस्पताल जा रहा है, दीपक गाना गा रहा है, दीपक खाना खाता है। बताओ तो शोमू। दीदी इसका होगा दीपक खाना खाता है। ठीक शाबाश। शिवी जरा तुम दो वाक्य बना के तो दिखाओ ऐसे ही। मैं गाना गाती हूँ। शाबाश। मैं खेलने जाती हूँ। वेरी गुड। और शोमू तुम एक बना के दिखाओ। मैं शिवी से लड़ता हूँ। मैं शिवी से लड़ता हूँ, वो मुझसे डरती है। वाह कितनी बढ़िया वाक्य बना है। वीना जी आप ये बताइए कि जब भाई इन्हें पहचान तो देखिए कितनी जल्दी समझ में आ गई, लेकिन वाक्य को बनाने के लिए कोई फॉर्मेशन तो होता होगा कि भाई ये संरचना है उसको तुम फॉलो कर रहे हो, तो वो जो नियम है उनको आप सरलता से कैसे बताते हो। हम इंडेफिनिट टेंस क्लियर करने के लिए बच्चों को तो पहले ये बताएंगे कि हिंदी में तो दिया है वह जाता है, ता ती ते लगा हुआ है, तो उससे इंडेफिनिट टेंस क्लियर होता है। लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे ये बताना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम पहले यही कोशिश करते हैं, जिन सेंटेंस बनवाते हैं फिर बच्चों को बताते हैं कि इसमें क्या लगेगा तब ये सेंटेंस पूरा बन जाएगा। इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं,
जो सिंगुलर नंबर है जैसे शी ही इट, इसके साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे नाम हो गया किसी का, किसी का नाम हो गया, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ हम एस या ईएस हटा देते हैं। प्लूरल अच्छा। में जैसे वी आई दे, इनके साथ है यू, इनके साथ हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये बच्चों का क्लियर होना बहुत जरूरी होता आपके है। आपके समझ में आया कुछ कुछ? जी जी, जी। चलो अब संगीता जी एक चीज बताइए, जैसे इस अध्याय में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी दिया हुआ है, तो वो बच्चे कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बहुत ही आसान है बच्चों को समझना, क्योंकि जो हो रहा है जी, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं, मतलब हो रहा है, ऐसी जो ऐसे जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं शोमू से पूछती हूँ। शोमू दीदी ने बताया कि क्रिया के अंत में क्या लगा होता है बेटी? था, थी, थे। गलत बता दिया बेटा। शिवी तुम बताओ क्रिया के अंत में क्या लगा होगा? रहा है, रही है, रहे हैं। अब तो ध्यान से सुनो, ठीक है, था थे थी नहीं लगा होता है, क्या लगा होता है? रहा है, रही है और रहे हैं। एक वाक्य बना के दिखाओ। हम खेल रहे हैं। शाबाश। शुमू तुम बना के दिखाओ। हम नाच रहे हैं। वेरी गुड, आगे बताइए। अच्छा, जब ऐसे बच्चों को जब समझ में आ जाता है कि वाक्य बनवा दिए छोटे छोटे, उसके बाद हम सेंटेंस को बनवाने का, जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है उसकी तरफ ध्यान दें, कि जो वाक्य संरचना होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, उसमें इन बच्चों को क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए या क्या सावधानी रखनी चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे इंडेफिनिट टेंस में मतलब मैंने बताया कि एस या ईएस का प्रयोग होता है, वैसे कंटिन्यूअस टेंस में भी उसका एक फॉर्मूला होता है कि ये हम यूज करें तो ये कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। जी, कंटिन्यूअस टेंस में हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना होता है, तब उसी को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानते हैं। आपके समझ में आया? जी, कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्रिया यानी वर्ब के साथ उसमें ऐसे एस नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे शिवी? आईएनजी। और बताओ गो का क्या बनेगा? गोइंग। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या बनेगा गो का? गोस। वेरी गुड। और किल का क्या बनेगा? किलिंग। वेरी गुड। फ्लाई का क्या बनेगा? फ्लाइंग। शाबाश, तरीका तो बहुत अच्छा है। यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हम आईएनजी लगा देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो इस तरीके से ये वाक्य बन जाता है। जी, ठीक है। और अगर हमें निगेटिव बनाना हो तो इसी में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे ही इज नॉट ईटिंग फूड, तो क्या कर दिया हमने, सब्जेक्ट डाल दिया, फिर इज आर एम लगा दिया, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब लगाते हैं। ठीक है जी, जी जी, ठीक है। जैसे ही इज नॉट ईटिंग फूड। जी जी जी। एक वाक्य बना के दिखाओ बेटे। मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, कैसे बनेगा? आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आया बेटे? जी जी। मैं फुटबॉल नहीं खेल रही हूँ, ये कैसे बनेगा? आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इसको पढ़ के तो दिखाओ बेटे, यहाँ से पढ़ो, ये वाला तुम भी खोल लो, इसको देखो, पेज नंबर 11 पे खोलो, बोलना शुरू करो शुमू। राकेश इज गोइंग टू मिस्टर सेन्स ऑफिस। He is driving a bus. He is a driver. ठीक है, शिवी तुम पढ़ो इसके आगे, यहाँ से। नीना works in a hospital. She is going to her room. She is a nurse. अब मैं तुम्हें बता दूँ कि जैसे आपने पहला पढ़ा कि नीना works in a hospital, ये किस टेंस में है? ये present tense. Present indefinite में works लगा हुआ है ना। अगला वाक्य शुभी बताओ, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य पढ़ के बताओ। शी इज गोइंग टू हर रूम। ठीक है, ये वाला पहला वाक्य किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और दूसरा किस में है? कंटिन्यूअस में। अच्छा, अब अब्दुल वाला पढ़ के बताओ। अब्दुल वर्क्स इन ए पोस्ट ऑफिस। ही इज कैरिंग लेटर्स। ही इज ए पोस्टमैन। अब आप बताइए बेटे, कौन सा इंडेफिनिट है और कौन सा कंटिन्यूअस है? इंडेफिनिट है अब्दुल वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ही इज कैरिंग लेटर्स। वेरी गुड, अब तो तुम्हारे समझ में आ गया।